डीग जिले में स्वतंत्रता दिवस के 78वें पर्व की पूर्व बेला पर कैलाश स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नल ओमवीर सिंह और जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की है। शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कवियों ने देश के वीर सपूतों पर आधारित अपनी रचनाएं सुनाई हैं। इस मौके पर ईडीएम संतोष मीना, नगर परिषद आयुक्त मनोज मीना और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित रिटायर्ड सैनिक और वीरांगना मौजूद रहे। मानो आज खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सी लड़ाइयां अभी भी बाकी हैं। लड़ाई भूख से, लड़ाई बेरोजगारी से, लड़ाई भ्रष्टाचार से, लड़ाई उन लोगों से जो आपसी उन्माद पैदा करते हैं। इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए भी आज हम सभी को ही वही वीर सेनानी बनना होगा। लेना चाहते थे दिल्ली आगरा, लेकिन घर की थून दही हम उस थून को दे बैठे उस अपने जयचंदों की वजह से। और ये जयचंद तब नहीं थे, रामायण में भी विभीषण उनके लिए तो जयचंद ही था। तो जब तक दुश्मन की तरफ से खत इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम देश हमारा यहाँ एक से एक शहीदों की वीरों की कमी नहीं है। यहाँ पर वक्त हो चला है एक